यहाँ पर हम सेलिब्रेट करने के पूरी प्लानिंग में है। तारा की मासी की पहली होली है, उनकी फर्स्ट होली है, वो दोनों बहुत एक्साइटेड है। ज्यादा होली पार्टी नहीं जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। बस खुश है कि तारा भी आ गई है। अभी यहाँ पर हम सेलिब्रेट करने की पूरी प्लानिंग में है, सो होपफुली इट्स गोना बी टू मच ऑफ फन नाउ। हम लोग तो पहले खेल ली होली, अभी तारा आई है और तारा की मासी की पहली होली है अंकिता की, तो वो सेलिब्रेट करने आई है। हैप्पी होली, हैप्पी होली टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को भी हमारी साइड से होली की ढेर सारी विशेस। हैप्पी होली मेरी साइड से भी। ये 2 साल बाद में अपनी होली मना रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो भी अंकिता दीदी और विक्की भैया की होली है, तो ये बहुत फन होने वाली है। आपने उनकी शादी देखी ना, क्या मस्ती क्या धमाल। मतलब हम लोग ऐसा लग रहा था 3-4 दिन किसी कॉन्सर्ट में आ गए, इस दुनिया से गायब होके अनवी अंकिता और विक्की की दुनिया में आ गए हैं। और आई थिंक आज भी वही होने वाला है, उनकी फर्स्ट होली है, वो दोनों बहुत एक्साइटेड हैं और उनसे ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि विक्की और अंकिता दोनों इतने फन लविंग लोग हैं इंडिविजुअली, और जब वो लोग एक साथ मिल जाते हैं तो मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाती है चीज़ें। एंड आई थिंक सबसे उनकी खास बात यह है कि उनका हर सेलिब्रेशन उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली के बिना, यू नो, इट्स ऑलवेज इनकम्प्लीट। तो वी आर जस्ट हियर फॉर देम एंड वी आर सो सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। होली के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो कलर्स ही आते हैं, एंड आई थिंक मेरे दिमाग में जो एक चीज़ आती है, लाइक मेरे मॉम डैड हमेशा बोलते थे कि होली एक ऐसा फेस्टिवल है कि आपको ऑफकोर्स लोगों के साथ बहुत ग्रजेस होते हैं, कई बार आप उनका दिल दुखा देते, कई बार आपका दिल दुख जाता है, बट होली एक ऐसी, कई बार आप अपनी बहन को परेशान कर लेते हैं, बट सब सही हो जाता है। और प्यार से रहो, अच्छे से रहो, एंड होली पर यू शुड जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट मूव ऑन, स्टार्ट यू नो योर रिलेशनशिप फ्रॉम अ न्यू, लाइक एक नई शुरुआत उसकी करनी चाहिए। तो एक चीज़ है जो होली पे मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से हर्ट हो जाती हूँ, मुझे लगता है इसने ये कर दिया उसने। हर होली पे क्रेजी मेमोरी होती ही है, इस बार भी होगी। सबसे क्रेजी मेमोरी ये है कि जो मेरा भाई है, इसका पता नहीं क्यों बचपन से ऐसा था, हर होली पर इसका कुछ ना कुछ, कभी इसका पैर कट जाता था, कभी हो जाता था। सो वी यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड ऑन होली कि अब होली आ रही है, पक्का अगम के साथ कुछ होने वाला है। टच वुड, लास्ट 3-4 साल से जब से मैंने इसका ध्यान रखना स्टार्ट किया है तब से ऐसा नहीं होता। बट हाँ, मतलब होली की इट्स ऑल अबाउट अ क्रेजी, इट्स अ क्रेजी फेस्टिवल। तो आई थिंक हर साल कॉम्पिटिशन होता है कि पिछले साल से बेटर है कि और क्या होने वाला है इस बार। वी आर वेरी हैप्पी। मैं नॉर्मली होली ही मनाता हूँ, और विक्की और अंकिता के लिए हम लोग होली मना रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। बस और अब की बहुत सारी होली होती रहे और होली में हमको बुलाते रहे, एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। मुझे कुछ आइडिया नहीं अंदर क्या होता है, जैसे कि कहा मैंने, मैं ज़्यादा होली पार्टी नहीं जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ, सो लेट्स सी क्या है, सरप्राइज रहेगा। फिलहाल तो कोई नहीं याद आ रही है। Thank you.